देखे बहसियत सोशल वर्कर मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। हमें दुख इस बात का है कि महकमा सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर साहिबान ने एक अचानक एक आर्डर निकाल दिया जिसमें फॉर्मेलिटीज़ की डिमांड की गई। तो उसमें एक फॉर्मेलिटी ये भी है कि हमारे डिसेबल जो लोग हैं दूर दराज फार फ्लंग एरिया गाँव में रहते हैं डिसेबल, तो उनको बोर्ड्स ऑफ टेक की कईयों को ज़रूरत थी और कईयों की मेडिकल बोर्ड्स ऑफ टेक जो है वो पेंशन के कागजात के साथ जो है असल कापी लग गई थी। तो उसको देखते हुए अचानक ये जब ये पूरा एक हल्ला पड़ा तो सब बोझ जो है वो हमारे खास करके महकमा हेल्थ पर पड़ा। और मुझे खुशी इस बात की है कि महकमा हेल्थ ने चाहे पुंछ सीएमओ ऑफिस हूँ उनका पूरा स्टाफ हो क्लर्क हो चाहे मंडी हो या सुनकोट हो बुजुर्गों के सबटेक बनाने में महकमा हेल्थ जो है वो जुटा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जितनी हमदर्दी से हमारे डिसेबल माजूरीन की ये पेंशन ये डिसेबल सॉफ्टेक बनाई जा रही है मुझे खुशी होती है कि हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे पुंछ में ऐसा स्टाफ है कि वो हर वक्त हमारे माजूरों के काम आता है। अभी आज मैं आया था, आज शनिचरवार है, 1 बजे डॉक्टरों की टीम आई थी चली गई, जैसा फ़ोन किया कुछ 5-6 माजूर रहते थे दोबारा वो टीम आ गई। तो कहने का मकसद एक सुनवाई है माजूरों की और उनकी बात मानी जाती है। जहाँ तक गवर्नमेंट का मसला है गवर्नमेंट ने तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी की है, इतनी सारी फॉर्मेलिटी हमारे लिए एक बोझ और परेशानी का सबब बनाया। तो हम इस पर जदोजहद में लगे हैं, मैं जल्द कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिलूंगा हमारी जो सोशल वेलफेयर की है ताकि वो इस पर गौर करें। लेकिन महकमा हेल्थ का जहाँ तक तावन है वो हमारे साथ है। अभी भी डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि अढ़ाई गाँव जिस जहाँ पंचायतों में जिस जगह ज़्यादा माजूरीन की तादाद है अढ़ाई है, अपने पड़ालकोट है, सुरहाड़ी में एक जगह है, तो काफ़ी जगहों पे माजूरीन की तादाद ज़्यादा है। हम कोशिश ये करेंगे चाहे बोर्ड ही उधर भेजें या उनको एक दिन पे हम गाड़ी उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करके इधर ला के उनकी जो है वो डिसेबल सॉफ्टेक बने। तो मुझे खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महकमा हेल्थ का और ख़ास करके हमारे स्टाफ मेम्बरान का कि वो दिन रात लगे हैं और उनको परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। जहाँ लेकिन कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि माजूरीन को पीछे करके लोग अच्छे भले जो है वो माजूर नहीं होते वो लाइन में लग जाते हैं, तो इस तरह की जो है वो उसमें कहीं नज़रअंदाज हमारा माजूर हो जाता है। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा हमारा क्लरिकल स्टाफ है, ये जाके वेरीफाई करते हैं बाहर कितनी भीड़ है कहाँ माजूर बैठा है। अभी ठीक आधा घंटा पहले 10-15 जो माजूरीन है उनको यहाँ पर जो है चेकअप करके उनको सॉफ्टेक बना के उनको निकाला गया। तो कहने का मकसद ये है कि मेडिकल स्टाफ का हमारे साथ तावन है और हम ये मानते हैं कि हमारी बोर्ड मेडिकल सॉफ्टेक ही ज़रूरी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट इतने सारा हमारे लिए ड्रामा जो गवर्नमेंट ने बनाया है इसकी हम परजोर मजम्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे फिर कि वो इतनी फॉर्मेलिटियाँ लेने हमसे ना डिमांड करें बल्कि हमारा बोर्ड सॉफ्टेक को हमारे लिए डिसेबल का एक प्रूफ माना जाए। तो यही हमारी गुजारिश होगी। आज के इस मौके पर मैं महकमा हेल्थ खास करके पुंछ का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत भीड़ थी, कम से कम 300-400 लोगों को इन्होंने देखा और बड़ी मेहनत से पूरे क्लरिकल स्टाफ ने इनको जो है हमदर्दी से पेश आए, ये बड़ी बात है। क्योंकि माजूर हर उसी को पता होता है जो दूसरा खुद माजूर होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे माजूरों के साथ इंसाफ हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बाकी दफ्तर वाले भी बाकी लोग भी इन्हीं की तरह जो माजूरों के साथ हमदर्दी से पेश आए। शुक्रिया।